हेलो एवरीवन, वेलकम एट सुधीर आई कोच। आज मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी या कोई भी सर्जरी इतनी महंगी क्यों होती जा रही है, क्या रीज़न है। पहले तो सर्जरी सस्ती होती थी लेकिन आज कॉस्ट कम होती थी, आज कॉस्ट क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो शायद पेशेंट्स को नहीं पता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डॉक्टर शायद ज़्यादा फीस लेने लगे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ठीक है, डॉक्टर्स अगर उनका एक्सपर्टीज़ है वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज करता है प्रोफेशनल्स, तो क्यों नहीं डॉक्टर्स चार्ज कर सकते। बट रियलिटी कुछ और है जिसके बारे में मैं आज कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है मेरी बात कुछ आपको अच्छी लगे, कुछ आपको बात मेरी ठीक ना लगे। अगर कोई चीज़ ठीक ना लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और छोटे छोटे इस तरह के व्लॉग्स जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं और जो पेशेंट्स के बेनिफिट में, मैं कोशिश करूँगा कि वो व्लॉग के फॉर्म में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता रहूँ। और कोई आपके क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो डेफिनेटली आप उसके लिए मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने के लिए। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैटरेक्ट सर्जरी इतनी महंगी क्यों हुई। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे बगल में कुछ मशीनें रखी हुई हैं जो आप ये देख रहे हैं। दीज आर एडवांस फेको मशीन सिस्टम्स। एक ये एल्कॉन का सिस्टम है जो सेंचुरियन नाम से आता है, और एक ये एबट जो आज की डेट में जेएनजे हो गया, उसका सिग्नेचर एडवांस सिस्टम्स हैं। दोनों मशीन्स अपने में टॉप ऑफ द लाइन मशीन्स हैं, और दोनों के बिना आज की डेट में एक एडवांस कैटरक सर्जरी, एक क्वालिटी फेको सर्जरी के बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छी कैटरक सर्जरी करनी है तो आपको इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, और इक्विपमेंट्स के साथ में आपकी जो व्यूइंग सिस्टम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फेको सर्जरी करने में या कैटरक सर्जरी करने में। मैं आपको एक माइक्रोस्कोप के बारे में मैं दिखा रहा हूँ, जो ये एक बहुत आपको एक ह्यूज माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा। दिस इज़ टॉप ऑफ द लाइन ज़ाइस का ल्यूमरा 700 सिस्टम है, जो आज की डेट में सबसे एडवांस सिस्टम्स जो माइक्रोस्कोप्स में माने जाते हैं। बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा कि इनकी क्या कॉस्टिंग होगी, तो मैं कुछ एग्जांपल्स में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, तो शायद आपको कुछ आइडिया लगे कि क्या बेसिक कॉस्ट कहाँ पे बढ़ रही है। ये जो माइक्रोस्कोप मेरे बगल में रखा हुआ है, दिस इज़ जो ल्यूमरा एडवांस सिस्टम्स हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स लगे हुए हैं। अगर आप देख रहे हैं, इसमें एक सोनी का ये सिस्टम लगा है जो रिकॉर्डिंग में हेल्प करता है, जिससे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एक ये सिस्टम एल्कॉन से है, जो कि हमारे ओपीडी में वेरियन सिस्टम है, जो कि मेजरमेंट लेते हैं, और वो यहाँ से डाटा ट्रांसमिट होता है जो हम व्यूइंग सिस्टम के थ्रू माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और हमें टॉरिक कैटरक्स सर्जरीज करने में ये हेल्प करते हैं। ये व्यूइंग सिस्टम्स जो हैं वो टिल्टेबल हैं, इसमें पेशेंट डॉक्टर्स अपने हिसाब से कम्फर्ट के हिसाब से इसको बेंड कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्फर्ट पेशेंट डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अच्छी सर्जरीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल पेशेंट का ही कंफर्ट लेवल ज़रूरी है, पेशेंट डॉक्टर का भी कंफर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है। ये एक माइक्रोस्कोप बेसिक माइक्रोस्कोप है, जो एडवांस वर्जन माइक्रोस्कोप है, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़ के करीब है। लोग कोई शायद इसको देख के नहीं बता सकता कि क्या इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स टैक्सेशन में भी बहुत ह्यूज कलेक्शंस करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30% टैक्सेशन पे आता है, क्योंकि इसमें एक्साइज ड्यूटीज़ और कस्टम ड्यूटीज़ भी इंक्लूड होती हैं, तो जो टैक्सेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% हो जाता है। तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ है। ये जो आपके पास मेरे बगल में जो फेको सिस्टम्स दिख रहे हैं, जो फेको मशीन्स जो फेको सर्जरी में यूज़ होती हैं, बहुत एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं। अच्छी क्वालिटी ऑफ फेको करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स हों। ये मशीन्स अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख के करीब की कॉस्ट करती हैं। ये मैं कॉस्ट आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में कॉस्ट आपको शायद ना पता लगे, क्योंकि कहीं इसकी MRPs वगैरह डिस्प्ले नहीं होती है। ये इक्विपमेंट्स रीजन के हिसाब से, सिटी के, कंट्रीज़ के हिसाब से इनकी कॉस्ट भी वेरी करती है, लेकिन रफली इनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख के करीब होती है। तो यू कैन इमेजिन कि एक अच्छी फेको सर्जरी करने के लिए नीड एटलीस्ट माइक्रोस्कोप, टॉप ऑफ द लाइन माइक्रोस्कोप और टॉप ऑफ द लाइन फेको मशीन्स, तभी आप अच्छी क्वालिटी फेको सर्जरी कर सकते हैं। मेरा आप इसको कह सकते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप किसी एक कार खरीदते हैं, तो कार में एक बेसिक मॉडल्स होते हैं, और
जो बेसिक मॉडल्स हैं वो आपको कम आपको ज़रूर डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, लेकिन एडवांस वर्जन में सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा होते हैं। वो उनमें सीट बेल्ट्स हैं, उनमें ABS सिस्टम्स हैं, जिससे कि हम पैसेंजर्स की सेफ्टी लाइफ, क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है और उसकी सेफ्टी में वो कॉस्ट एक तरह से अगर आप देखिए तो हम सोचते भी नहीं हैं, और वील ऑलवेज ट्राई टू गो विद द हायर वर्जन। सिमिलरली अगर आप फेको मशीन्स में जाना चाहें तो फेको मशीन्स, मैंने जो अपनी लाइफ में 20 साल पहले जो फेको मशीन खरीदी थी उसकी कॉस्ट 5.5 लाख रुपए थी, आज ये मशीन्स 50-50 लाख रुपए की हैं। तो ये जो सेफ्टी हमें जो दे रहे हैं वो पेशेंट्स के बेनिफिट में है। जितना रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी का होता जाएगा पेशेंट्स को उतना बेनिफिट मिलेगा, उनकी विज़न में उतना बेनिफिट मिलेगा। सर्जरी में सर्जरी ईजी हो जाती है, रिस्क फैक्टर्स बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो एक कैटरक्ट सर्जरी में ज़रूरत होती हैं, जो कि एक माइक्रोस्कोप के फॉर्म में होती हैं और एक जो आपके फेको मशीन्स के फॉर्म में होती हैं। ये इक्विपमेंट्स तो बेसिक हैं, बाकी बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं इनके। इनमें जो ये कैसेट्स लगे हैं, ये कंज्यूमेबल्स हैं, ये हर सर्जरी में ये चेंज किए जाते हैं। इनकी भी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 हज़ार रुपये होती है। ऐसे ही इस मशीन्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कैसेट लगा है, ये कैसेट हर सर्जरी में चेंज सर्जरी में ये कंज्यूमेबल्स हैं, जो कि हर जो सर्जरीज में एक सर्जरी में हर बार इसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। ये हैंड पीसेज हैं जिसके थ्रू सर्जरी होती है, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 लाख रुपये के करीब होती है। और ऐसे ही जो ये हैंड पीसेज हैं इसके, ये हैंड पीस हैं ये, और जितने जैसे मशीन्स एडवांस होती जाएंगी उनके उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से, सेफ्टी फीचर्स की वजह से, बहुत एडवांस इसकी कटिंग क्वालिटी की वजह से इनकी कॉस्टिंग्स बढ़ती जाती हैं, और ये कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3-4 लाख रुपए हो सकती है, जो कि मेरा एक रफ असेसमेंट है कि ये हैंड पीसेस करीब हम लोग इनसे कुछ 1000 सर्जरीज तक कर सकते हैं। तो ये कंज्यूमेबल कॉस्ट हैं जो हमें हर सर्जरी में कॉस्ट इसकी इंक्लूड करनी पड़ती है, इसी की वजह से सर्जिकल कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ने का एक और रीज़न है क्योंकि हम लोग सर्जरी जब करते हैं तो हम उसको मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूस पेशेंट मॉनिटरिंग पे होता है, इसकी ECG, उसका पल्स ऑक्सीमीटर, PO2 लेवल, उसका ECG हम लोग कंटिन्यूस लेते रहते हैं, जो कि आज की डेट में एसेंशियल है। एक एनेस्थेटिस्ट हमेशा रहते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं पेशेंट की जनरल कंडीशंस को। तो ये सारे रीजंस भी कॉस्ट को इंक्लूड इंक्रीज करने में रीज़न है। ये मेरे बगल में एक माइक्रोस्कोप है OM5 टकागी का, ये मेरा पहला माइक्रोस्कोप है। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने इसको परचेज़ किया था। उस वक्त इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आज से करीब 18-19 साल पहले इसकी कॉस्ट करीब 2 लाख रुपए थी, 1,98,000 का मैंने इसको परचेज़ किया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बिगनिंग माइक्रोस्कोप्स हैं, बेसिक माइक्रोस्कोप्स हैं, उससे आज हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। और उसका रीज़न, उसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट को हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्जरी दे पा रहे हैं और एक अच्छी विजुअल रिकवरी पेशेंट को मिलती है कैटरक्ट सर्जरी के बाद। और जब आप हाई वॉल्यूम सर्जरीज करते हैं, तो आप केवल एक या दो इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं करते हैं, यू ऑलवेज कीप फ्यू बैकअप। सो एक बैकअप मशीन फेको की हमेशा स्टैंड बाई मोड में रहती है, जिससे कि कभी भी कोई भी ब्रेक डाउन हो तो हमारे पास बैकअप हो, हम सर्जरी को बीच में तो नहीं छोड़ सकते। सिमिलरली अगर कभी कैटरक्ट सर्जरी करने में कोई पोस्टिक कैप्सूल में रेंट्स होता है तो उसके लिए हमारे पास एक विट्रेक्टमी सिस्टम हमेशा रेडी रहता है। सो वी हैव टू कीप ऑल द सिस्टम्स रेडी इंटैक्ट, और हमेशा एक विट्रोरेट्रल सर्जन हमेशा एक सपोर्ट में रहता है, जिससे कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मिसहैप हो हम लोग उसको टाइमली मैनेज कर पाएँ। आजकल कैटरक्ट सर्जरी सिंपल नहीं रह गई, आज की डेट में उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है, जिसमें फेमटोसेकंड कैटरक्ट सर्जरी भी हम लोग कहते हैं। दिस इज़ फेमटोसेकंड मशीन जो एबट की है, जिसका नाम ट्रेड नेम इज़ कैटलिस मशीन। दिस मशीन कॉस्ट अस अराउंड 2.5 करोड़। इससे हमें फ़ायदा ही मिलता है, जो हमें कट्स मैनुअली हम लोग बनाते हैं उसकी जगह हम ये मशीन कुछ 10-12 सेकेंड्स में वो सारे कट्स बना देती है। तो प्रिसीजन सर्जरी का बेहतर हो जाता है, सर्जिकल क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो जाती है, और साथ में जहाँ पे स्पेशली हम अगर प्रीमियम लेंसेज की बात करें, मल्टीफोकल लेंसेज हैं टॉरिक में, अगर हमारा प्रॉपर इंसिजन साइज सब बना हुआ है तो हमारा डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ सर्जरी बेटर होती है। हमेशा कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोप्स में भी वेयर एंड टियर होता रहता है, उसके लिए हमेशा बैकअप सिस्टम में हम लोग माइक्रोस्कोप्स रेडी रखते हैं। ये दो माइक्रोस्कोप्स हैं जो मैंने बहुत पहले अपनी प्रैक्टिस के दौरान खरीदे थे, ये माइक्रोस्कोप टकागी का है, दिस इज़ OM8
माइक्रोस्कोप है, और ये एक ल्यूमरा का जाइज का एडवांस सिस्टम है जो ल्यूमरा आई है, दिस इज़ अगेन फॉर द बैकअप. सो वी ऑलवेज कीप वन और टू माइक्रोस्कोप्स एंड वन और टू फेको मशीन्स फॉर बैकअप इन केस ऑफ एनी मिसहैप. वी कैन मैनेज आर केस, वी कैन नॉट लीव द सर्जरी इन बिटवीन, और वी हैव टू कम्प्लीट द सर्जरी बाय एनी मीन्स बिकॉज एवरी आई इज प्रेशियस. सो फॉर मी कॉस्ट इज द बिकॉज यू कैन नॉट असेस द कॉस्ट ऑफ द आई, इट इज प्राइसलेस. सो if you want to save the eye, you want to give the quality of life, quality of vision, then you have to invest. So this is, these are our investments, and that is why this the cost of surgery goes high. aur hum majboor hain iske liye, hame kya kar rahe hain, agar hame aapko patient ko achhi quality of life deni hai, achhi quality of vision deni hai, to hame ye investments hame karne padte hain. iske liye hame patient se charge bhi karna padta hai. koi bhi cheez meri agar aapko buri lagi ho to please mujhe maaf kariyega, aur agar koi bhi aapke doubts ho, queries ho, kuch bhi aap aur puchna chahte hain, definitely puchiye. sudhir rai coach ek channel hai jo ki basically maine start kiya tha jo surgical videos ke liye, freshers ke liye, but kyunki kafi questions, kafi queries logon ki, common persons ki aati thi, so I started hindi vlogs. to koi abhi jo general public ke liye hai, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. प्लीज़ सब्सक्राइब सुधीर राय कोच फॉर फ्यूचर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.